Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. उम्मीद के मुताबिक कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम 2 ने दक्षिण भारत में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 दिन में 20 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर ली है। लेकिन हिंदी में फिल्म बुरी तरह पिट गई है। हिंदी में फिल्म को विश्वरूपम 2 के नाम से रिलीज किया गया था। कमल हासन के निर्देशन में बनी विश्वरूपम 2 ने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म को पहले दिन 6 करोड़ 15 लाख रुपए की ओपनिंग लगी थी। इस रविवार यानी तीसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन कमल हासन तमिलनाडु में रजनीकांत से पीछे रह गए, जिनकी फिल्म काला ने 3 दिन में 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। कमल हासन की लिखी कहानी पर बनी फिल्म हिंदी और तमिल में ओरिजिनल शूट की गई है और तेलुगु में इसे डब किया गया है। दूसरे भाग में भी कमल हासन आतंकियों से निपटने के लिए एक मिशन पर है और रॉ एजेंट के किरदार में अलग अलग रूप बदलकर दुश्मनों का सफाया करते हैं। उनकी लड़ाई इस बार भी एक धर्म विशेष के नाम पर आतंक फैलाने वालों के खिलाफ है। कमल हासन के लिए विश्वरूपम 2 बेहद अहम पड़ाव है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और इस फिल्म की सफलता पर उनका फिल्मों में बने रहने का फैसला निर्भर करेगा। विश्वरूपम 2 कब ऑल इंडिया कलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस 15 अगस्त को अक्षय कुमार की गोल्ड और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते रिलीज होगी।